Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Our today's lecture is about subject math, class 7th, chapter number 1, sets. आज हम union and intersection of two or more sets पढ़ेंगे. दो या दो से ज्यादा जब आपके पास set हो तो उनका union कैसे find किया जाता है? Union of three sets, जैसे कि three sets हैं, तो उसके लिए step 1 है कि find the union of any two sets. पहले आप दो sets का union find कर लें, then जो आपको new set मिलेगा उसका third set के साथ union find कर सकते हैं. जैसे कि आपको सेट ए बी सी दिए हुए तो इनका यूनियन आप कैसे फाइंड करेंगे. नंबर वन में देखें, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी. पहले बी और सी का यूनियन फाइंड करें, जो सेट मिलेगा आपको उससे आप ए का यूनियन फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह नंबर टू में देखें, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन सेट फाइंड करेंगे और उससे जो नया सेट मिलेगा उससे आप सी का यूनियन फाइंड कर सकते हैं. एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि सिक्स एग्जाम्पल में आपको थ्री सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी. सबसे पहले हमने यूनियन फाइंड करना है बी और सी का, जो कि आपके पास यूनियन सेट आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप इससे आप ए का जो सेट है उसका यूनियन फाइंड कर सकते हैं. तो आपके पास सेट आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये तीनों सेट्स का यूनियन है. इसी तरह एग्जांपल नंबर 7 है, इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स. इंटरसेक्शन होता है तीनों सेट्स में आपने कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, तो वही प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे. इंटरसेक्शन इसमें आएगा ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी. पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन सेट फाइंड करेंगे, फिर उससे जो सेट बनेगा वो ए के साथ उसका इंटरसेक्शन फाइंड किया जाएगा. इसी तरह ए और बी का आप इंटरसेक्शन जब फाइंड करेंगे उससे जो सेट मिलेगा उसको हम एंड पे सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं. सेट आपको दिए हुए हैं ए बी सी और इंटरसेक्शन फाइंड किया जब हमने इनके दरमियान, तो सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन निकाला है बी और सी का, जो सी और ई है यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है. फिर बाद में हमने उसका इंटरसेक्शन सेट निकाला है ए के साथ, जो कि कॉमन एलिमेंट सी है. एक्सरसाइज में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने यूनियन फाइंड करना है. ए सेट और बी सेट दिया गया है, इन दोनों के दरमियान जो है तमाम एलिमेंट्स हैं वो सेट यूनियन में आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5. क्वेश्चन नंबर 2, एस और टी के तमाम एलिमेंट्स सेट यूनियन में आ जाएंगे ए बी सी डी ई. नंबर 3, एक्स वाई सेट. एक्स वाई में यूनियन फाइंड करेंगे तो सेट जो यूनियन फाइंड होगा हमसे वो 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, यानी कि एक्स और वाई के तमाम एलिमेंट सेट यूनियन में आ जाएंगे. नेक्स्ट देखें, थ्री सेट्स का आपने जब यूनियन फाइंड करना है तो सबसे पहले जब हम यूनियन फाइंड करेंगे तो वो सी और डी के एलिमेंट्स में होगा. सी और डी के एलिमेंट्स में जब हमने यूनियन फाइंड किया है तो वो हमारे पास आया ए ई आई ओ यू. फिर हमने एंड पे ई के साथ उसका इंटरसेक्शन फाइंड किया, यूनियन फाइंड किया, तो वो ए ई आई ओ यू आएगा. इसी तरह M, L और N का आप यूनियन फाइंड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है P और Q के दरमियान, यानी कि P और Q के एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन ऑफ P एंड Q होगा, तो वो आपके पास आएगा 0, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है. नंबर 2 में देखें, M और N के दरमियान इंटरसेक्शन सेट बनेगा 1, 3, 5, 7, 9. नंबर 3, ए और बी के दरमियान कॉमन एलिमेंट जो आएगा वो 15 सेट होगा. नंबर 4, थ्री सेट्स का आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो अब जब तीनों सेट्स में इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो ये एम्प्टी सेट होगा. नंबर 5 में देखें, एक्स वाई एल, एक्स वाई जी में आपने इंटरसेक्शन फाइंड किया तो इनमें कॉमन एलिमेंट एल है. इफ़ यू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन ज्वाइन इट्स व्हाट्सएप ग्रुप. प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कमेंट, शेयर. थैंक यू.